तो गाइस कैसे हो सब। देखो जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल पर कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिस पर मैंने लिखा था कि भाई आपकी किस कैटेगरी की वेबसाइट है। तो ज्यादातर लोगों ने बताया कि भाई हमारी मल्टी नीश वेबसाइट है। तो गाइस आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप अपनी वेबसाइट के लिए मल्टीपल बहुत सारे से ज्यादा कीवर्ड कैसे निकाल सकते हो, और वो भी लो कॉम्पिटिशन और जिस पर ट्रैफिक अच्छा खासा हो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो भाई आपको सेमरस अकाउंट लेना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लिया है, वहां से सेमरस अकाउंट मिल रहा है, तो आप सेमरस ले सकते हो वहां से और रिसर्च कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आगे रिसर्च पर हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया कर लेते हैं, यूएसए कर लेते हैं। तो भाई हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की बात करते हो तो हम यूएसए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि हमने दैट डाल दिया, THAT दैट। दैट डालने के बाद सर्च कर लेते हैं, आप देख सकते हो आप यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो दैट लिख कर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट लिखने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, जैसे कि हम नीचे आने के बाद आप यहाँ से कीवर्ड्स ले भी सकते हो, आप बता सकते हो अगर आपको लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो 10 लाख 10 मिलियन यहाँ पर कीवर्ड दिखा रहा है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम पहले तो फिल्टर लगा लेंगे वेरी इजी कर। वेरी इजी लगाने के बाद जैसे आपके पास सेमरस अकाउंट है तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर हम कीवर्ड इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पर जो आप देख सकते हो कीवर्ड इंक्लूड है ना। तो यहाँ पर हम एनी कीवर्ड कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं एन, मतलब कि हमें इससे रिलेटेड कीवर्ड आने चाहिए। हम यहाँ रिव्यूज एंड वाट के कीवर्ड निकाल लेते हैं, और दिस यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं 6 की KD दिखा रहा है, और यहाँ पर 5000 का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक मिनट हम इसको सर्च ही कर लेते हैं सीधा। मैं आपको बता देने वाला हूँ कि आप इस पर काम कर सकते हैं क्या नहीं। तो गाइज ये आ चुका है एक कीवर्ड जिस पर मैंने अभी दिखाया आपको, एंड यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर सामने आपको 30 KD से नीचे नीचे वेबसाइट्स आ रही हैं तो भाई आप उस पर काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं है देखा जाए तो। एंड यहाँ पर इसने इजोइक के एड्स भी लगवा रखे हैं अपनी वेबसाइट पर, और ये शायद मल्टीपल नीश वेबसाइट है ना, मल्टी नीश वेबसाइट है। हम यहाँ पर इसका ट्रैफिक भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एड्स भी लोड हो चुके हैं, यहाँ पर इसने एड ही एड पर रखे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 लाख का ट्रैफिक ले जा रहा है, यू भी यूनाइटेड स्टेट से, मतलब इसका ट्रैफिक डाउन जा रहा है, पता नहीं क्यों क्यों जा रहा है ना, कुछ दिक्कत आ गई होगी इस वेबसाइट में। तो आप देख सकते हो मतलब यूनाइटेड स्टेट के इतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो भाई आप ये कितनी अर्निंग कर रहा होगा ना अपनी वेबसाइट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट देख सकते हो आप, इंडिया से तो इसका ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, सीधा यहाँ से यूनाइटेड स्टेट से, और यहाँ पर रसिया से इसका ट्रैफिक आ रहा है। और इसको बैक करने के बाद हम वेबसाइट देखते हैं, और वेबसाइट देखने के बाद देख सकते हो आप इसने कंटेंट कैसे लिख रखा है। तो हम यहाँ पर बैक करते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पर एक और वेबसाइट है ये, और ये वेबसाइट देख सकते हो, मतलब इतनी अच्छी खासी वेबसाइट नहीं है जितनी सोची थी मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है, मतलब कि आप इजिली यहाँ पर रैंक कर जाओगे कुछ ही महीने में। मैं भी इस पर देखूंगा एक बार ट्राई करने का, पर आप यार आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर इस पर काम कर सकते हैं। 4 KD है, 3500 का ट्रैफिक, अगर आपके पास भाई 1000 का भी ट्रैफिक आ जाता है ना डेली का, या हफ्ते में 1000 आ जाता है, तो भाई आप अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे यूएसए से। 4 KD दिखा रहा है और 3 लाख का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। तो भाई हम इस पे एक बार इस पेज को भी खोल लेते हैं, इस कीवर्ड पर काम कर सकते हो नहीं, मतलब ऐसे कीवर्ड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, बस आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट रैंक कर पाएगी क्या नहीं इस पे। क्यों तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत अच्छे कीवर्ड है, 0 KD दिखा रहा है, देख सकते हो थोड़ा बहुत ट्रैफिक डाउन हुआ है, पर ट्रैफिक ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो हम यहाँ पर एक बार इसको खोल लेते हैं, 3 लाख वाले इसको ट्रैफिक अच्छा खासा है, थोड़ा ट्रेंड ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है, तो सच इसकी बात नहीं है। अगर ये इतना ट्रैफिक दिखा रहा है तो आराम से अगर आपकी वेबसाइट टॉप 10 टॉप 20 में भी आ जाती है तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगा। हमने सर्च कर ले वाला कीवर्ड, तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर खुद ही इस बंदे ने भी ये आर्टिकल लिख रखा है, जो की 7 डोमेन अथॉरिटी दिखा रखी है, और यहाँ पर 3 डोमेन अथॉरिटी दिखा रखी है, मतलब छोटी छोटी वेबसाइट तो ने इस पर आर्टिकल लिख रखा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर देख सकते हो, इस वेबसाइट को हम खोल लेते हैं, इसने क्या लिख रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने कैसे कंटेंट लिख रखा है, मतलब कुछ ऐसा कीवर्ड है एंटरटेनमेंट पर्पज या किसी एक्टर के हिसाब का है, तो अच्छा खासा कंटेंट लिख रखा है, तो ये आप रैंक भी हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका देखें ट्रैफिक चेक, तो देखते हैं कितना ट्रैफिक ले जा रही है, देख सकते हो आप, मतलब वियतनाम में ज्यादातर ये आर्टिकल लिख रही है, और यहाँ पर देख सकते हो 50,000 के आसपास ट्रैफिक ले जा रही होगी, डाउन थोड़ा सा ट्रैफिक हुआ है इसका पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब ट्रैफिक ले जा रही है, वो सबसे बड़ी बात है, अगर ये 20-30 हज़ार का भी ट्रैफिक ले जा रही होगी ना, तो भाई आप सोच सकते हो यार एडसेंस लगा पड़ा है तो यार अर्निंग कैसी हो रही होगी। अब यहाँ पर एक वेबसाइट है, 3 डोमेन अथॉरिटी है, मतलब ऐसे कीवर्ड आपके पास आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, बस आपको देखने होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने भी लिख रखा है अच्छा खासा कंटेंट,
हम यहाँ बैक करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हो आप इतने सारे कीवर्ड्स, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो 35,000 कीवर्ड दिखा रहा है, और यहाँ पर 4 मिलियन का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है ना, 4 लाख कह रहा हूँ, 4 मिलियन। और यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब ऐसे ही आपने कम से कम 100 कीवर्ड भी टारगेट कर लेना, अगर आपका डेली का 500 भी ट्रैफिक आ गया तो आप ये सोच सकते हो भाई एडसेंस से आपकी वेबसाइट पे तो आपको कितनी अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसे आप कीवर्ड निकाल सकते हो अच्छे खासे, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो दैट वाज, मतलब ये इंक्लूडिंग कीवर्ड जैसे कि आपको जो चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपको हाई सीपीसी कीवर्ड निकालने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर दो। हाई सीपीसी की तो कोई जरूरत नहीं रहती, अगर आप बिगनर हो ना तो भाई आप नॉर्मली कीवर्ड्स पे काम करके आप अच्छा खासी अर्निंग कर लोगे। आप यहाँ पर देखते हो 150 का सीपीसी दिखा रहा है ये कीवर्ड, मतलब कि देखते हैं इसका, देखो ट्रेंड चल रहा है इसका, मतलब कि सर्चिंग हो रहे हैं, और 310 का ट्रैफिक दिखा रहा है टोटल ग्लोबल। पर यार आपके इस पर वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक हो रही है, अमेजोन और ऑफिशियल है ना, तो आप इनके चक्कर में मत पड़ो। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपने लिए कीवर्ड निकाल सकते हो बेस्ट बेस्ट से बेस्ट, और आप काम कर सकते हो। एक तरीका आपको बता दिया, अब यहाँ पर सुनो एक चीज और दिखाता हूँ मैं, दैट था हम यहाँ पर इन कर लेते हैं। इन करने के बाद तुम कर लो, देख सकते हो तो आप मतलब बहुत ही कम केडीए, 9 की केडीए, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिरिक का कीवर्ड है, और एक ये हंटाई, एक निश है इसका कीवर्ड है, तो आप मतलब देख सकते हो लो कंपटीशन कीवर्ड है, देख सकते हो रिजल्ट गूगल में। तो मतलब आप यार ऐसे फाइंड करो और काम करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ी रिसर्च करो। अगर आपको सेमरस अकाउंट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप ले सकते हो। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।